कही जी। पहला तो बात मैं पहली बात तो ये कहूँगा मैं कि सरकार को चाहे कोई भी इशू हो उसको ये देखना है कि नमक में आटा मिला करके लोगों को खिलाना है या आटे में नमक मिला करके। यहाँ सिचुएशन इस समय ये हो रही है कि लोगों को नमक दिया जा रहा है आटा मिला करके, जो कि आपने उसको डकैत बने की बात की है, मैं वो नहीं कहूँगा क्योंकि उसका प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है वो जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि जीएसटी के बीच में लाया जाए, लेकिन केंद्रीय जो राज्य सरकारें हैं वो जीएसटी में इसको लाने के लिए तैयार नहीं थी जी। दूसरी बात उनका ये कहना है कि उन्होंने वैट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जैसे केरला में उन्होंने इसकी कीमत बढ़ा दी है 26 से 34% अर्थात 8% ज़्यादा, महाराष्ट्र में 20% 27 से 47% वैट का रेट कर दिया, एक सेंट्रल एक्साइज है 30%, इसी प्रकार से दिल्ली में 20 से 27% कर दिया और एक सेंट्रल एक्साइज का 42% जो है स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में जरूरी बात है ये होगा, अगर हम 14-15 के कंपेरिजन में देखें 2,45,000 करोड़ रुपए सरकार को रेवेन्यू अर्न हो रहा है पेट्रोल से सिर्फ 2016-17 में जी, लेकिन 2014-15 में केवल 99,000 करोड़ रुपए था, अर्थात आप सोचिए कि अगर इस तरीके से हालत है तो ये सिर्फ ऐसा है जैसे कि आप वाकई ही कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दबा दें जी, और ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन उनका ये कहना है, वो जस्टिफाई करते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमने इंक्रीज एलोकेशन दी है एजुकेशन को, हेल्थ शेयर को, केयर को। उनका और भी कहना है कि हमने कोशिश की है मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, रूरल सैनिटेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये सब ठीक है। उसके लिए आप टैक्सेस भी कलेक्ट कर रहे हैं, 17% आपके डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज हुआ है अभी पिछले 3-4 महीने में, फिर आपको इतना टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है। उसका एक और जस्टिफिकेशन हम थोड़ा सा कह सकते हैं जी, कि जून में ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $57 पर बैरल था, बिल्कुल सितंबर में ये $67 पर बैरल हो गया, अर्थात $10 पर बैरल जी। आल दो इसका एक थोड़ा सा जस्टिफिकेशन हो सकता है कि कीमतें बढ़ें, लेकिन इसके साथ साथ इतनी कीमतें बढ़ें ये कोई जस्टिफिकेशन इसका नहीं है जी। संदीप दुबे साहब आपके पास मांगा कि जब यूपी की सरकार थी उस वक्त पे आप लोग